ਭਾਈ ਚਲੋ जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई बदलाव किए हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी जिलों के जिला अध्यक्ष को बदला गया है। पूंछ में भी राजेश शर्मा का न्याय पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। आज राजेश शर्मा का पूंछ पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वही परेड पार्क पूंछ से एक रैली निकाली गई जो पूंछ के मुख्तलिफ जगहों से होकर पार्टी के कार्यालय में जाकर खत्म हुई। इस मौके पर लोगों ने राजेश शर्मा को हार पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं राजेश शर्मा का कहना है कि वो पार्टी को और मजबूत करने के लिए काम करेंगे। सबसे पहले मैं दिल्ली पार्टी हाई कमांड का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पुंछ में ज़िला अध्यक्ष मुझ जैसे आदमी को यहां पर बनाया। और मेरे बनने के बाद या उससे पहले, मेरे बनने से पहले जो यहां के ज़िला अध्यक्ष थे वो हमारे इंजीनियर रफ़ीक हुसैन चिश्ती साहब थे। जब वो चिश्ती साहब यहां पर 3 साल की भागदौड़ उन्होंने संभाली तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत दूर तक फैली, एक आम व्यक्ति तक पहुंची है। और दिल्ली पार्टी हाईकमांड का और जम्मू पार्टी हाईकमांड का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यहां के जितने भी यहां पर लोग हैं, बिन लिहाज मजहब मिल्लत, हिंदू मुस्लिम सिख अर्थात का पुंछ के अंदर अगर भाईचारा देखना है तो वो मसाल आज तक बरसों से पुंछ में रही है। इसी भाईचारे को हम पूरमन चलाएंगे। और हमें पार्टी हाईकमांड से ये आदेश दे करके भेजा है, जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आते ही एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये जितने भी जो लोग रहने वाले हैं ये सारे भारतीय जनता की पार्टी है, भारत की जनता की पार्टी है। ये जितने लोग हैं यहाँ पर, हिंदू हो, मुसलमान हो, गुजर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी हो, कश्मीरी हो, कोई भी हो, बिन लिहाज मजहब मिल्लत, जैसे हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी सबको ये साथ लेकर के हर आदमी को अपना अपना हक दे रहे हैं। इसलिए मैं पार्टी हाईकमांड का और पार्टी हाईकमांड जम्मू का श्रीमान रविंदर रैना जी और उनके साथ श्रीमान अशोक कोल जी, विबोध गुप्ता जी और उसके बाद दिल्ली पार्टी हाईकमांड श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। चलो चलो चलो।